नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर, पेश ने हुंदा तियां खबरां। अग्निपथ योजना बारे भारत दियां तीनों फौजां दे अधिकारियां ने अज नवी दिल्ली विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान विस्तार नाल जानकारी दित्ती। भारतीय फौज दे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि यह योजना लंबे समय की चर्चा तो बाद ल्यांदी गई है अते अग्निवीर बनने लई नौजवानों ने सिखलाई भी शुरू कर दित्ती है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर राही देश की सुरक्षा लई नौजवानों नूं वड्डा मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरां नूं भी रक्षा ते बहादुरी मैडल मिलणगे। जनरल अनिल पुरी ने कहा कि रेजिमेंट के सिद्धांत नाल कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी अते अग्निपथ राही फौज वधेरे मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि भारत विच दुनिया के मुकाबले सब तो वध नौजवान ने अते भारतीय फौज देश की सुरक्षा लई इन्हां नूं अग्निवीर राही फौज विच शामिल करना चाहुंदी। उन्हें कहा कि अग्निवीरां नूं पूरी सिखलाई दे के मजबूत बनाया जाएगा। भारतीय हवाई फौज के अधिकारी सूरज झा ने दस्सिया कि हवाई फौज विच रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून तो शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भर्ती विच पूरी तरह नाल पारदर्शिता वरती जाएगी। उन्होंने कहा कि अग्निवीर भारतीय हवाई फौज का अहम हिस्सा होंगे। जल सेना के अधिकारी ने कहा कि जल सेना विच रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जुलाई तो ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। जल सेना विच अग्निवीरां दा पहला बैच 21 नवंबर तो सिखलाई हासिल करना शुरू कर देवेगा। कौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कहा कि अग्निवीर अपने आप विच कदे पूरी फौज नहीं होणगे क्यों जो फौज विच होर भी कई यूनिट ने। एक खबर एजेंसी नाल खास इंटरव्यू विच उन्हां कहा कि जिन्हां अग्निवीरां नूं रेगुलर किया जाएगा उन्हां नूं सख्त सिखलाई लैनी होगी अते लंबा तजर्बा हासिल करना होगा। अजीत डोवाल ने कहा कि इस बारे योजना नूं समझण की जरूरत है अते अग्निपथ अपने आप विच कोई इकली योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि जदों 2014 विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता विच आए तो भारत नूं सुरक्षित अते मजबूत बनाउणा उन्हां दी पहल विच शामिल सी अते इस लई कई रस्तियां कई उपावां अते उन्हां नूं वड्डे पद्धर ते करन दी जरूरत सी। अजीत डोवाल ने कहा कि अग्निपथ पूरी तरह नाल सिखलाई ते कुशल फौज लई इक इनकलाबी योजना है। उन्हां कहा कि अग्निपथ योजना बारे सारे भुलेखियां नूं दूर करदिआं इस योजना नाल देश दा हथियार बल होर वी वधेरे मजबूत होवेगा। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना बारे कुछ तथ्य लोगों सामने रखे ने। इन्हां विच योजना की सही जानकारी दी गई है। अठवां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आज पूरी उत्साह नाल मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूरू विच सवेरे हुए मुख्य योग समागम की अगवाई की। इस समागम विच तकरीबन 15,000 व्यक्तियों ने वख-वख योग आसन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन विच कहा कि योग समुची मानवता लई है अते योग दे दुनिया विच सेहत नूं इक नवीं दिशा ते निरोगी जीवन दा भरोसा दिता है। उन्हां कहा कि योग सिर्फ भारत लई नहीं बल्कि समुची मानवता लई है। योग सिर्फ व्यक्तियों लई नहीं बल्कि दुनिया की शांति विच सहायक है। देश विच अंतरराष्ट्रीय योग दिवस संबंधी हुए वख-वख प्रोग्रामां विच भारत अते विदेश विच करोड़ां लोगों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश अते दुनिया नूं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की वधाई दित्ती। उन्हां कहा कि योग दी यात्रा अनंत भविख की दिशा विच इसे तरह ही चलती रहेगी।
शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की बरसी गुरद्वारा डेरा साहिब लाहौर विखे मनाउण लई 266 सिख श्रद्धालुओं का एक जत्था श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के अमृतसर स्थित दफ्तर तो अटारी वाघा सरहद के रस्ते पाकिस्तान लई रवाना होया। यह जत्था श्री ननकाना साहब, श्री सच्चा सौदा मंडी चूड़खाना शेखपुरा, गुरद्वारा श्री पंजा साहिब और गुरद्वारा डेरा साहिब के दर्शनों मगरों वापस 30 जून भारत आवेगा। इस जत्थे विच गए श्रद्धालु गुरधामों के दर्शनों की इजाजत मिलन मगरों बेहद खुश दिखाई देते इन्होंने अपने आप नूं खुश नसीब दस्या। पंजाब के वक् वक् हिस्सों में बीती रात रुक रुक के मीह पै रहा है। इस नाल तापमान में आई गिरावट मगरों लोगों को गर्मी तो काफ़ी राहत मिली है। मौसम विभाग अनुसार आने कुछ दिनों में तेज़ बारिश की संभावना है। इसके चलते विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। विभाग अनुसार मानसून की वर्खा 25 जून तो शुरू हो सकती है। बीते 24 घंटे दौरान सब तो वध 58.4 डिग्री मिलीमीटर मीह फरीदकोट में रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुक्तसर 20 मिलीमीटर और मोगा जिले के बुद्ध सिंह वाला 16.5 मिलीमीटर मीह दर्ज किया गया है। खबरों के बुलेटिन साड़ी दर्शक RNU DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी वेख सकते हैं। तेजी नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होया। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रही हूँ। बाहर जाने वेले तुसी भी मास्क लगा के जाओ। इजाजत दियो, नमस्कार।